पुलवामा का मुद्दा जो है तो ये आम मुद्दा नहीं है, इसको जो है ना तो जल्दी से बोल नहीं जा सकता। यही हम कह रहे हैं, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, यही राजनीति है। कोने नमाज होगी भाई पुलवामा का मुद्दा, लेकिन मन से कोई नहीं बोल रहा है। जी मन से इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इन्हें भी जो है ना पूरा निकाल दी बीजेपी की, आठों के आठों सीटें जीतेंगे, ये रहा निशान। हम लोग छोटे से मीडिया वाले हैं, निष्पक्ष बात करते हैं, डिजिटल पे दिखते हैं, छोटा मीडिया वाले हैं, गर राजनीति नाम है, बेबाक होकर बेखौफ बात करते हैं और डरते नहीं है किसी से, ना ईडी से ना सीबीआई से, ना बताइए क्या कहेंगे। छोटा मीडिया वाले हैं, डरते नहीं है, बेखौफ होकर आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ छोटा मीडिया वालों का जो आज समाज राजनीति छोटी जितने भी है चैनल ज्यादातर नाम लीजिए, नाम लेके राजनीति चलिए ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि तीन तलाक और तमाम मुद्दे बड़ा कुछ नहीं, हमारी लड़की को तीन तलाक हो गई, हमारी लड़की कुछ नहीं, तीन साल तक केस चले, हमारी लड़की कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ग्राउंड जीरो पे आप चुनाव को कवर करने निकलिए तो तमाम मुद्दे मिल रहे हैं, तमाम मुद्दों पे लोग खुल के बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग बात करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, आप बताइए कि क्या मुद्दा है। फुल बहुमत से जो ना फुल बहुमत से राहुल गांधी बैठ रहे हैं सीट पे और पुलवामा में फौजी को मरवा दिए, किसी के मोदी कहाँ मर गए, मोदी जी मरे, मोदी ने मरवा दिए पुलवामा में, किसी के मौके बैठे थे वो भी थे, आज तक जांच नहीं बैठी, क्यों नहीं बैठी बताओ, क्यों नहीं बैठी, इतनी महंगाई कर दी। नेता है अखिलेश जी मंच से बोल रहे हैं, अच्छा एक बार भी पुलवामा के मामले बोले, करवाएंगे जांच करवाएंगे, पुलवामा के मुद्दे बोले, सारे केस खुलेंगे। अच्छा मौलाना से पूछते हैं, कौन आप बताइए, कभी मंच से नेता बात कर रहे हैं, पुलवामा के मुद्दे पर किसी ने बोला? पुलवामा का मुद्दा जो है तो ये आम मुद्दा नहीं है, इस पर जो है ना तो जल्दी से बोला नहीं जा सकता, इस समय का माहौल जो है ना बोलने का नहीं है। यही हम कह रहे हैं, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, यही राजनीति है। अपने मुद्दों की बात करेंगे, अपना हित सबसे पहले, झांसी की रानी होनी चाहिए लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। सही बात है कि नहीं? सही बात है। पुलवामा का मुद्दा है, कोने में लोग बात कर लेंगे, मंच से नहीं बात करेंगे, बड़ा मुद्दा है, कोने में बात होगी भाई पुलवामा का मुद्दा, लेकिन मंच से कोई नहीं बोल रहा है। जी मन से इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इन्हें भी जो है ना पूरा बोलेगा वो जेल में होगा। हाँ, इदा, इदा। जेल में जाएगा। हाँ। और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की और ये उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। यही बात सही है। पुलवामा का मुद्दा मीडिया ने कितना उड़ाया है बताया आप पहले, मीडिया ने भी तो उड़ाया ना, मीडिया इस देश में जो पैसा लगाया जाता है, मीडिया कितने इस मुद्दे को उठाने में, चुनाव का पिछले टाइम समय चल रहा है, बीजेपी के कितने कैंडिडेट है मीडिया ने सवाल किया है बताया आप, हमने हमारे यहाँ हम निजीवास आ रखे हैं, कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष हूँ, आठों के आठों सीटें जीतेंगे, हवा निकाल दी बीजेपी की, आठों के आठों सीटें जीतेंगे, ये रहा निशान। निशान तो ये कहाँ पालावाल यहाँ वोटिंग हुई है, जिला बिजनौर के अंदर नगीना लोकसभा क्षेत्र से हमें, ये भाई साहब नगर नगर अध्यक्ष है कांग्रेस, नगर उपाध्यक्ष नगर, महिला को बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए, हम आइए इधर आइए इधर आइए, हाँ क्या बोल रही है, परेशान थी यहाँ बताइए, किस मुद्दे पे, किस मुद्दे पे इस बार वोट पड़ेगा? कांग्रेस के मुद्दे पे, जैसे मतलब 1,00,000 रुपए अलाउंस के महिलाओं के खाते में, गरीबों के रोजगारी के लिए, नौकरी के लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कांग्रेस को जिताइए। घोषणा पत्र कांग्रेस का पसंद आ गया कुल मिला के, यही है ना, 6 साल के लेकर 90 साल का नारा लगा, फिर यही गलत काम अपने कर रहे हैं, महिलाओं को बोले नहीं दे रहे, नारा लगाइए कांग्रेस पार्टी, इससे
अच्छा मैनिफेस्टो, आने वाले भविष्य में भी कोई सरकार किसी को नहीं दे सकती। अगर इस बार कांग्रेस ने ये मैनिफेस्टो निकाला है तो देश हित में निकाला है, जनता को देखते हुए निकाला है, जनता की समस्याओं को देखते हुए निकाला है। इससे अच्छा घोषणा पत्र कोई किसी देश की सरकार नहीं निकाला। मीडिया को समझ नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूँ यार, ये किसी से छुपी बात नहीं। बेरोजगारी, लोग परेशान, बहुत ज्यादा बेहाल, सबको ये बात समझ आ रही है। मीडिया को क्यों नहीं समझ आ रही? मीडिया क्यों नहीं समझा रही इस बात को? कौन सी मीडिया? नेताओं को, आप जैसे गोदी मीडिया, सर जो सवाल आप उनसे कर रहे हैं तो ये सवाल तो आप पर जो है ना तो सबसे पहले लागू होता है, क्योंकि ये जो है प्रजातंत्र का तीसरा स्तंभ जो है ना मीडिया है। मीडिया पुलवामा का मुद्दा उछाले, हम लोग छोटे से मीडिया वाले हैं, निष्पक्ष बात करते हैं, डिजिटल पे दिखते हैं, छोटा मीडिया वाले हैं, गैर राजनीति नाम है, बेबाक होकर बेखौफ बात करते हैं और डरते नहीं है किसी से, ना ईडी से ना सीबीआई से। आप बताइए क्या कहेंगे? आपने मणिपुर का भी दिखाया, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि भले ही आप छोटे, नहीं अब मुद्दे की बात आइए, अब हमको क्या कहेंगे? हमने कह दिया छोटा मीडिया वाले हैं, डरते नहीं है, बेखौफ होके आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। जी मैं धन्यवाद करता हूँ छोटा मीडिया वालों का, हाँ। जो आज समाज राजनीति छोटी जितने भी है चैनल ज्यादातर, मुद्दे का नाम लीजिए, नाम लेके राजनीति, चलिए ये बड़े वाले जो है ना वो तो गुलाम बन के बैठ गए हैं, वो कुछ दिखा रहे हैं। छोटे वालों का धन्यवाद करता हूँ, वो देश को अपनी बात दिखा रहे हैं, हम जैसों की बात सुन रहे हैं, वरना हमारी कौन बात सुन रहा था? आप मुबारकबाद के हकदार हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप अच्छी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं तो जिंदाबाद, और हम लोगों की दुआएं आपके साथ, बहुत शुक्रिया। और यही तो राजनीति की ताकत है, डंडी की चोट पर हम सच दिखाते रहेंगे। अमरोहा की तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, उनका क्या प्लान है इस बार के चुनाव में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माहौल है अमरोहा में? कांग्रेस पार्टी बहुत बुरा हाल है, कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं हम, हाथ के पंजे को कहा कांग्रेस पार्टी अमरोहा से। नहीं, क्यों 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 कांग्रेस को देंगी आप इस बार? क्यों मूड बनाया है, क्या कुछ खास कहते हैं? बस ऐसे ही भैया, बहुत परेशान आ गए हम, तंग आ गए बहुत ज्यादा, बहुत परेशान आ गए, बहुत तंग आ रहे हैं हर चीज से। तो ये लोग बीजेपी वाले कह रहे थे कि तीन तलाक और तमाम मुद्दे बड़ा, कुछ नहीं हुआ हमारी लड़की को, तीन तलाक हो भी हमारी लड़की कुछ नहीं हुआ, तीन साल से केस चले हमारी लड़की कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई, दो साल से केस चले हमारी लड़की कोई सुनवाई नहीं हुई है, लड़की हमारी केस चला रही कुछ भी नहीं हुई हमारी लड़की के बारे में, किसी ने भी सुनवाई नहीं करी, और हम गरीब इंसानों को तो बिल्कुल नहीं सुनते कोई भी, बड़े लोग नहीं सुनना चाहते हमारी, बिल्कुल कोई बात नहीं सुनना हमारी नहीं। ये जो बीजेपी वाले मुद्दा बताते हैं कि बड़ी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो खुश हैं तीन तलाक के मुद्दे पे और तमाम मुद्दों पे, नहीं नहीं कोई खुश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई खुश नहीं है, नहीं ऐसा कोई खुश नहीं है। आप बताइए क्या राय है तीन तलाक के मुद्दे पे, क्या कहेंगे? कोई राय नहीं है, कोई कोई कानून का कोई कार्रवाई नहीं चल रही, हमारी बहन बैठी हुई है, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, हमें तीन साल हो गए मुकदमा लड़ते हुए, बस खाली फजूल बातें हैं, बाकी सारी बातें बेकार है, सारी फेंक कर दी है और कुछ नहीं हो रही है, और कुछ नहीं है, खाली बस एक भड़काओबाजी है, भड़का रहे हैं लोगों को और कुछ नहीं कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है उनके लिए, बाकी जैसे ही चल रहा है वैसे ही चल रहा है, सब कुछ जो है एक ही धान हो रहा। मैंने आप कह रही है कि कुछ बदलाव नहीं हुआ, बातें हुई बड़ी बड़ी लेकिन बदलाव नहीं हुआ, आप जब थाने में जाती हैं तो क्या कार्रवाई हुई, क्या बात है? कुछ ही मेहरा थाने में गए, एसपी साहब पे दो रखाए, और क्या कहो ना, डूडे कमाओ डूडे ऑफिस में गए, कहीं हमारी लड़की की सुनवाई नहीं हुई कहीं पे भी, तीन दो साल हो गए, दो साल से हमारी लड़की मेरे घर पे बैठी है और हमारी किसी ने नहीं सुनी किसी ने भी, अब जब जाकर हार का केस डाला मुकदमा डाला, तीन साल हो गए हमारी बहन भी हमारे घर बैठी है, ना ही हमारी माँ है ना ही हमारे बाप है, मैं बड़ी बहन हूँ उसकी, एक बच्चा भी है, सवा महीने का बच्चा लेकर आई थी, ना ही तो तलाक दी है ना ही कुछ कर, शादी कर ली, तलाक दे दी, फिर हमारे घर आके लड़ाई लड़ी उसने, तलाक दी और उसके बाद भी तलाक देने के बाद भी अब हम केस लड़ाए, तीन साल हो गए लड़ते लड़ते, कुछ भी हासिल नहीं, यहाँ से वहाँ तक कुछ हुआ ही नहीं, और धमकी देता हमारी लड़की को, लड़का कहीं भी मार सकता है, कहीं पे ही मारता, घर पे भी ना लेकर जाता, मारता भी कहीं पे भी है, कहीं बाजार में जाता जब मारता हमारी लड़की को, वीडियो बनाता हमारी लड़की, गंदी गंदी बातें करता हमारी लड़की, रास्ते में छोड़ कर उसके घर में शोहर है वो उसको मार सकता है, बाजारों में ले जाकर बाजार में मारता है,
अकेली कहीं देख लगा जब मारा लगेगा हमारी लड़की को। आप अधिकारियों से मिली तो अधिकारी क्या कह रहे हैं, कोई मदद करता है, कोई अधिकारी क्या बोलते हैं? हमारी किसी ने मदद नहीं करी, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं हुई, हमारी कहीं पे भी कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं हुई हमारी। जब हमने के डाला भी लड़की के बारे में, हमारी लड़की बोलती है अधिकारी तो यही बोलते हैं कि टाइम आगा, टाइम पे होगी हर बात, टाइम टेबल पे होगी, टाइम चलेगा, टाइम आएगा, कौन सा टाइम आएगा कुछ पता नहीं। बिल्कुल, तो ये तमाम वो महिलाएं हैं, और बीजेपी ये कहती है कि तीन तलाक के मुद्दे पे मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। महिलाओं का मानना है कि सिर्फ बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि तीन तलाक के मुद्दे पर बीजेपी भुनाना तो चाहती है उस मुद्दे को, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जो कार्रवाई है वो नहीं होती है, और जो तमाम महिलाएं हैं वो परेशान हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2024 के चुनाव में तीन तलाक का मुद्दा भले ही बीजेपी जोर शोर से उठा रही हो, लेकिन मुस्लिम महिलाएं परेशान हैं, बेहाल हैं। सहयोगी अभिषेक के साथ अमितेश श्रीवास्तव, दराजनीति, अमरोहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।